चल रहा है ना। किधर से क्वेश्चन आएंगे? आपको क्या लगता है पीसी जो आपको क्योंकि वो टाइटल आपका सवाल बहुत सही है क्योंकि वो टाइटल के साथ वो जो पोस्टर है ना उसके साथ वो उसका मतलब क्लियर होता है। तो ये जो पोस्टर है आप पोस्टर दिखाइए ना अभी देखिए अभी पोस्टर क्या पी से पीएम तक क्योंकि ये करेक्ट है आपका सवाल पी से पीएम तक तो पी क्या है वो जानने के लिए ये पोस्टर की जरूरत है। पी प्रोस्टिट्यूट है और पूरी पिक्चर एक पॉलिटिकल सटायर है तो उसमें ऐसा लिया गया है कि जो हमारे समाज सबसे नीचा वर्ग है नीचे लोग हैं जो लोएस्ट तबके के लोग हैं उसको एक रिप्रेजेंटेटिव बनाकर ये जो क्या चल रहा है वो उसको एक्सपोज करने के लिए उस मेटाफर के जरिए या उस कैरेक्टर के जरिए उसको एक पर्टिकुलर सिचुएशन में डाल के बाकी सबका वो जो एक्सपोजर है वो है और वो बेसिकली कहानी में वो एक बाय इलेक्शन में फंस जाती है वो और वो बाय इलेक्शन गर्म हो जाता है वो उसके वोट उसके चक्रों में वो फंस जाती है और कैसे चार दिन में वो चीफ मिनिस्टर बन जाती है। तो चार दिन में जब आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो उसमें आपकी आपके पास ऐसा कोई क्वालिफिकेशन तो है नहीं वो जो है सो है लेकिन उसके जरिए आप पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सपोज करते हैं और फिर आगे उसकी जर्नी प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या है वो है। तो मैम साउथ का ये पहली बॉलीवुड फिल्म आपकी जी क्या फीलिंग है? बहुत एक्साइटेड हूँ प्रेशर भी बहुत है मतलब पहली बॉलीवुड फिल्म मेरी फैमिली देखेगी फ्रेंड्स देखेंगे तो एक्साइटमेंट भी है बट एट द सेम टाइम नर्वसनेस भी है बिकॉज ये फिल्म इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फिल्म टू डिलीवर बहुत कुछ है इसमें करने के लिए पसीने छूट जाए किसी के सुन के ही ऐसा रोल है ये बहुत रेंज है तो मैंने बहुत कुछ करने को मिला है मुझे आई एम वेरी फॉर्चुनेट बट एट द सेम टाइम एक चैलेंज है उस चैलेंज को मीट करना बहुत जरूरी है टू डिलीवर द फिल्म सो वो कोशिश की है हमने पूरे कंधों पे इनके कंधों पे है फिल्म अगर ये मैंने सबसे पहले तो ऑडिशन दिया मुझे मुझे स्क्रिप्ट नहीं दिया गया था सिर्फ तीन सीन्स दिए थे एंड आई फेल्ट वो तीन सीन्स वर लाइक थ्री स्क्रिप्ट्स आई एम नॉट किडिंग मैं मजाक नहीं कर रही हूँ ऐसा लगा कि अगर तीन सीन ऐसे हैं तो ये पिक्चर कैसी हो क्योंकि वो हर एक सीन ऐसा था कि अगर वो किसी भी एक पिक्चर में वो सीन डाल दो उसमें का एक भी सीन वो तीनों में से तो वो हाई पॉइंट होगा उस पिक्चर का तो मुझे लगा ये क्या पिक्चर बन रही है क्या होगी स्क्रिप्ट तो मैंने बहुत मेहनत की पहले तो ऑडिशन देने में मैं कम्प्लीटली बहुत प्रॉपरली तैयारी करके गई थी मैंने अच्छा कोशिश की कि ऑडिशन दूँ जब ऑडिशन में सिलेक्ट हुई तो मैंने स्क्रिप्ट दी मैं तीन दिन सोई नहीं उसके बाद क्यों गई क्या स्क्रिप्ट है इतनी ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है कुंदन जी ने बहुत मेहनत से बहुत बहुत कुंदन जी 10 साल गैप करके आपने ये फिल्म बनाई 10 साल पहले बनाई तो गैप में क्या हुआ क्या मैं गैप में कुछ नहीं हूँ मैं घर पे ही बैठा था मैं तो आप बताइए तो मैं हर साल में 2 पिक्चर बना सकता हूँ लेकिन आपको मौका भी तो मिलना चाहिए ना इसलिए ये एक बात अच्छा आपने ये पूछा क्योंकि ये जो फिल्म है मैंने एक फिल्म बनाई थी जानू दो वो मेरे ख्याल से जो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने प्रोड्यूस की थी तो वैसे ये फिल्म भी मैं बहुत सालों से लेकर घूम रहा हूँ ये स्क्रिप्ट और पैन इंडिया जयंती भाई गढ़ा और धवल गढ़ा तो उनकी वजह से नहीं तो अगर वो नहीं होते तो ये फिल्म नहीं बनती स्पेशली विद न्यू कमर्स आज की तारीख में तो अगर ये फिल्म अच्छी बनी या लोगों को पसंद आती है तो सबसे पहला क्रेडिट डायरेक्टर को नहीं एक्ट्रेस को नहीं प्रोड्यूसर को जाता है स्क्रिप्ट में फर्क नहीं वो तो डायरेक्टर का विजन होता है एक वही साउथ के ही कुछ डायरेक्टर्स होंगे जो कुछ कंटेंट बेस्ड फिल्म बनाएंगे कुछ प्योर कमर्शियल पिक्चर बनाएंगे तो वही बॉलीवुड में भी है मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी बिगनिंग कुंदन जी के साथ हुई है वो जो जिनकी फिल्में अलग लेवल से शुरू होती है तो मैंने शुरुआत ही बहुत अलग तरीके से की है अलग लेवल से की है तो मुझे अब
खुद के लिए मतलब मैं इट्स अ चैलेंज फॉर माई सेल्फ इवन बिगर चैलेंज अब कि व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि ऐसे फिल्म मेकर, ऐसी स्क्रिप्ट, ऐसे प्रोड्यूसर, सब इतना मजबूत जगह से शुरुआत की है मैंने, तो अभी और भी बड़ा चैलेंज है. तो फिल्म आई थिंक इज जस्ट नॉट द इंडस्ट्री, हॉलीवुड बॉलीवुड, और इट्स अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द फिल्म मेकर क्या बनाना चाहते हैं. मुझे बहुत मजा आया था सुन के, मैंने बहुत मेहनत की है इस मूवी के लिए. व्यूअर्स को मैसेज के ज़्यादातर कहा जाता है कि आप दिमाग घर पर लेकर फिल्म देखें, और प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप दिमाग साथ में लेकर आइए और देखिए. और मैं अगर आपने देख ली फिल्म, क्या होता है मैं अगर एंड तक आपने देख ली आपको अच्छी लगी, तो मैं आपको गारंटी कहता हूँ कि आप ये पिक्चर के साथ बाहर निकलेंगे और वो आपके दिमाग में चलती रहेगी कि क्या कहना चाहती है, क्या मतलब, क्या मतलब क्या है इसका. और बहुत टाइम तक वो आपको आपके साथ रहेगी, अलग अलग लेवल पे. आप कभी नाश्ता कर रहे हैं, कभी दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो कभी कोई डायलॉग आ जाएगा दिमाग में, कभी कुछ चीज़ आ जाएगी, कभी कोई सच्चाई, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी सच्चाई से जुड़ी हुई है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है हमारी, और कॉमेडी के थ्रू इस तरह से. और इस फिल्म में एक पोएट्री भी है, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग व्हाट सर सेड, वो सब भी है, बस एक पोएट्री है, वो बहुत ब्यूटीफुल पोएट्री है. सो वो चीज़ के लिए ज़रूर ध्यान से देखनी पड़ेगी, दिमाग के साथ देखनी पड़ेगी. पोएट्री मतलब देखिए क्या होता है, हर डायरेक्टर जो मेरे लिए अच्छी एक स्क्रिप्ट है वो दूसरे डायरेक्टर के लिए स्क्रिप्ट अच्छी नहीं हो सकती. तो मैंने मेरा मानना है कि जितनी कहानी कम हो उतनी सुंदर फिल्म बन सकती है, तो उसमें फिर आपको पोएट्री का भी चांस मिल जाता है, क्योंकि जो इतनी कहानी होती है तो फिर आप कहानी में उलझ जाते हैं, जितनी कहानी कम होती है तो उसमें आपको ट्रीटमेंट, पूरी ट्रीटमेंट पर आपको ध्यान रखना पड़ता है. गाने जो भी हैं, क्योंकि मैं मेरी फिल्म में ज़्यादातर गाने बने, तो वो स्क्रिप्ट से जुड़े हुए हैं. दो गाने हैं, एक सिचुएशन से जुड़ा हुआ है और एक पॉलिटिकल क्लाइमैक्स में. वो गानों में 7 गाने हैं, 5-6 गाने हैं, मतलब वो छोटे छोटे गाने हैं जो पॉलिटिकल सॉन्ग है, एक बट कॉमेडी है और क्लाइमैक्स है. उसको कहेंगे कि भाई देखिए हमारी बहुत छोटी फिल्म है लेकिन हमने एक बहुत बड़ी कोशिश की है. मैं मेरा ये भी मानना है कि छोटी फिल्म बड़ी कोशिशें कर सकती है, क्योंकि वो अलग आपको एक अलग दुनिया ले जा सकती है, एक अलग एक्सपीरियंस दे सकती है. हमारी ये कोशिश है, और थ्रू कॉमेडी है, थ्रू लाइटनेस है, पॉलिटिकल सटायर है, आपकी सच्चाई से है, और आपको एक अच्छी तरह से परोसा गया है. लेकिन आप अगर इन्जॉय करेंगे, हमने तो ये कोशिश की आप इन्जॉय करें और कुछ साथ में ले जाएँ फिल्म के बाहर. और वो बड़वा बनने की अभी मतलब वो ट्रेनिंग कर रहा है, वो भी भाग रहा है विजुअल चलता है तो आप विजुअल चलता है
चलेगा आपको ये वाला? चलेगा। दोन हज़ार।